स्वागत है आपका, मैं हूँ सार्थक और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की उन लेजेंडरी एक्टर्स में शामिल है जिन्होंने अपने करियर में कई साहसी और यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। वहीं रियल लाइफ में भी शर्मिला अपने दौर से आगे की अदाकारा रही हैं। 60 के दशक में उनकी एक बिकनी शूट जमकर वायरल हुई थी। जब शर्मिला को हर तरफ से आलोचना का सामना करना पड़ा तो पति मंसूर अली खान उर्फ नवाब पटौदी पत्नी शर्मिला टैगोर के साथ खड़े हुए थे। शर्मिला ने बिकनी फोटो शूट फिल्म फेयर मैगजीन के लिए शूट कराया था। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू में इसको लेकर बात की गई है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनको फोटो शूट अच्छा लगा था। हालांकि फोटोग्राफर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन इस पर काफी तीखी प्रक्रिया आई थी। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने टेलीग्राम में लिखा भी था और साथ ही टाइगर को बताया था कि उन्होंने ऐसा फोटो शूट किया है और लोग उनके इमेज को खराब कर रहे हैं। यहां तक कि टाइगर ने इस बात पर उनको कह दिया था कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो और उनको सपोर्ट किया था। वैसे दोस्तों, जाने से पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप शर्मिला टैगोर के कितने बड़े फैन थे। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।